कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको तोड़ने के लिए या काटने के लिए। ये हमारे पास अब दो नमूने आ गए हैं, अब हम इसको हर्बेरियम शीट पर रखते हैं। बच्चों अभी हम बगीचे से जो टहनियाँ तोड़ के लाए हैं उसको किस प्रकार पादपालय पत्र यानी हर्बेरियम शीट पर लगाते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम पौधों को क्यों सुरक्षित रखते हैं। रामजतन आप बताइए। मैम हमें पौधों को इसलिए सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है वो पौधों पर निर्भर है। हम पौधे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पौधे से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल, सब्जियाँ, दवाइयाँ आदि। इसीलिए हमें पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत अच्छा। दीक्षा आप बताइए और किस माध्यम से हम पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। बगीचे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पौधे उगाएं तो हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें वक्त पर पानी दिया जाए तो। वेरी गुड। रेवा बड़े पैमाने पर अगर पौधों को सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। हम उन्हें बोटैनिक गार्डन पर उगा सकते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब जो टहनी हम बाहर से तोड़ के लाए थे उसका पादपालय पत्र यानी हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वह इस प्रकार है। पौधों की तोड़ी हुई टहनियाँ जिनकी लंबाई लगभग 20-25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चिपकाने के लिए गोंद, सिलाई के लिए सुई धागा, रस्सी। टहनी की एक समान लंबाई रखने के लिए उन्हें काटने के लिए हम कटर या कैंची का उपयोग कर सकते हैं। पुराने अखबार और क्षेत्रीय दावक बनाने के लिए भारी वस्तुएं ईंट का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने किताबों का उपयोग किया है। और सबसे ज़रूरी है हमारा पादपालय पत्र यानी हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट एक लगभग 40 से 25 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी कागज़ की एक मोटी शीट होती है जिस पर सूखे हुए पौधों के नमूने आरोपित किए जाते हैं। एक पादपालय पत्र पर केवल एक ही नमूना आरोपित किया जाता है। सबसे पहले हम पौधे की टहनी लेकर उसको अखबार पर फैलाएंगे। रेवा ये पत्ती सहित जो टहनी है इसको आप पहले अखबार पर रखिए। कैसे रखेंगे? इसको हमें बराबर फैलाना है, पत्ती को कहीं से मुड़े नहीं। बिल्कुल सही। और एक पत्ती को हम हल्का सा पिछली मोड़ देंगे जिससे कि हम इसकी दूसरी सतह का भी अध्ययन कर सकें। अब हम इसे अखबार में दबाकर रख देंगे। इसी तरह जो हम और पत्तियां लेकर आए हैं टहनियों के साथ उसको दबाकर रखेंगे। रामजतन आप इसको फैलाइए। आप इसको महसूस कर सकते हैं पत्ती को। इसमें फूल भी लगे हुए हैं और टहनी भी है इसकी। आप इसको फैला के रख सकते हैं। बहुत अच्छा। इसमें भी हम एक पत्ती को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं ताकि हम इसकी दूसरी तरफ की संरचना का अध्ययन कर सकें। चलिए अब इसको हम अखबार से ढक देते हैं। ऐसे ही हम सारे नमूने तैयार कर लेंगे। इन नमूनों को हम अब किसी भारी क्षेत्रफल के वजन से इनको दबाएंगे। इसके लिए हमने किताबों का उपयोग किया है। हम चाहें तो ईंटें भी ले सकते हैं। मोटी मोटी किताबें एक साथ एक जैसा क्षेत्रफल देंगी। अब रस्सी की सहायता से हम इसको बांध देते हैं जिससे हमारे पौधे हिलाने पर
इधर उधर नहीं होंगे। रस्सी की सहायता से हम इसको कस के बांध देते हैं। 24 घंटे के बाद अगले दिन अब हम इन्हें खोल कर देखेंगे और इन्हें दूसरे अखबारों पे स्थानांतरित करेंगे, जिससे इनकी जो नमी है वह पूरी तरह से सूख जाए और पौधे खराब ना हो। कुछ दिनों के बाद जब हमारे नमूने पूरी तरह सूख जाएंगे तो हम उन्हें पादपाले पत्र पर आरोपित करेंगे। आइए देखते हैं ये सूखे हुए नमूने किस प्रकार लगते हैं। ये बिल्कुल देखिए सूख गया है। ये अब हमारे पास सूखे हुए नमूने उपलब्ध हैं। इन्हें हर्बेरियम शीट पर लगाएंगे। ये हमारी हर्बेरियम शीट है। इस पे केवल हम एक पौधे का नमूना ही लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इस पौधे को लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे हम चिपकाने के लिए लगा देंगे। चिपकाने के लिए हम पीछे की तरफ लगाएंगे, इस तरफ, इसे जब लगाएं तो ये हिले नहीं। इसको अच्छे से चिपका देते हैं। अब इसे हम सुई धागे की मदद से इसकी टहनी को सिल देंगे, जिससे क्या है जब हम इसको रखेंगे एक साथ बहुत सारी शीट रखेंगे तो ये इधर उधर नहीं रहेगी और अपनी जगह पे व्यवस्थित रहेगी। एक दो जगह हम टहनी को सिल देते हैं। ये हमारा एक पत्ती का नमूना टहनी के साथ पादपाले पत्र हर्बेरियम शीट पर रोपित हो गया। आप लगाइए इसको। अखबारों में उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हमने इनको सुखाने के लिए रखा था, जिससे ये हर्बेरियम शीट पर चिपक जाए। इसके ऊपर हम भारी सामान या किताबें रख करके इसको रस्सी से बांध के एक दिन के लिए रख देंगे। रामजतन, यस मैम, अब आप इस पौधे को हर्बेरियम शीट पर लगाइए। दीक्षा, आप इनकी मदद कीजिए, कैसे इसको लगाना है। हाँ, ये चिपकाने के लिए गोंद है। इसको हम पौधे की पत्तियों पे और टहनी पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, जिसे जो पौधा हम शीट पे चिपकाएंगे तो वो हिलेगा नहीं इधर उधर। यस मैम, आराम से लगाओ। अब दीक्षा जो है इसे, इसकी जो टहनी है ना, वहां पे इसको धागे से बांध देगी, जिससे ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। ध्यान रहे कि पत्तियां जो है ना टूटें। अब इस शीट को हम इसमें रखो, इसे अखबार में रखेंगे आराम से। अब इसके ऊपर
पहले की तरह ही हम कोई भारी वजन रख देंगे जिसका क्षेत्रफल एक समान हो। इसके लिए हमने पहले किताबों का उपयोग किया था, इस बार भी हम किताबें ही लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले दिन कि हमारे तैयार पादपालय पत्र कैसे दिखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं कि सूखे हुए तैयार पादपालय पत्र कैसे दिखते हैं। ये देखो, आप भी छू के देखिए, इसमें हमने धागे से भी इसको बांधा हुआ है और ये शीट पर चिपक गए हैं। पादपालय पत्र में दाहिनी तरफ कोने में संग्रहक का नाम, पौधे का नाम, पौधे का सामान्य और बोटैनिकल नाम, जहाँ से हमने इसे संग्रहित किया है, कलेक्ट किया है, जहाँ से हम इसको लेकर आए हैं उस जगह का नाम, और हम इसमें डेट भी डाल सकते हैं जिससे हमें पौधे की सारी जानकारी मिल जाएगी। इन पादपालय पत्रों को वर्गीकी के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम इसका अध्ययन करते हैं। इन पादपालय पत्रों को संरक्षित करने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसमें कीट नहीं लगते हैं और ये सुरक्षित रहती हैं। बच्चों आज हम जो बगीचे से पुष्पी पादप लेकर आए थे उसको हमने हर्बेरियम शीट बनाई। इसके लिए हमने क्या क्या किया आप बताइए दीक्षा। हमने सबसे पहले इनको न्यूज़पेपर में सुखाने के लिए या फिर उसका पानी सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद उन पर दो मोटी मोटी किताबें रखकर उनको दबा दिया और उनको एक रस्सी से बांध दिया। रामरतन इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने इनको 5 दिनों तक न्यूज़पेपर के अंदर किताबों के साथ दबाकर रख दिया ताकि ये सूख जाए। रेवा आप बताइए जब ये पत्तियां सूख गई तो हमने क्या किया? हमने इन्हें हर्बेरियम शीट पर गोंद के साथ चिपका दिया और धागे को भी लगा दिया ताकि इधर उधर ना हिले। बहुत अच्छे, इनको मैंने किनारे से ना बांध के बीच में बांधा हुआ है टहनी को जिससे ये धागा यहाँ से ना निकले। अब इन सभी को एक साथ परिरक्षित रखने के लिए या स्टोर करने के लिए हम इनको नेफ्थलीन बॉल्स के साथ में रख देते हैं जहाँ भी हमें इन्हें रखना है, अलमारी में, रैक में, और होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको क्या कहते हैं फाइल कवर में सुरक्षित रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकाल के हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे और भी पौधों को हम संरक्षित रख सकते हैं। तो आज हमने पादपालय पत्र किस प्रकार बनाया जाता है इसको देखा और इस प्रक्रिया को सीखा। धन्यवाद।